नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। धनतेरस को लेकर इस साल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि धनतेरस 2 तारीख को मनाई जाए या 3 तारीख को मनाई जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि धनतेरस किस दिन मनानी चाहिए और उसी दिन क्यों मनानी चाहिए, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो त्रयोदशी है, त्रयोदशी 2 तारीख मंगलवार को 11:30 से आरंभ होती है और 3 तारीख बुधवार को सुबह 9:02 तक रहेगी। यानी त्रयोदशी का जो तिथि है वो 2:30 से 11:30 से शुरू होगी और 3 तारीख बुधवार को 9:02 सुबह 9:02 तक रहेगी। इस बीच में त्रयोदशी, इसका मतलब ये कि 2 तारीख को भी त्रयोदशी है और 3 तारीख को भी त्रयोदशी। और आपको मालूम है कि त्रयोदशी के दिन ही धनतेरस मनाई जाती है। अब हम किस दिन माने, 2 तारीख को माने या 3 तारीख को माने? तो आपने अक्सर सुन रखा होगा कि जो उदया तिथि होती है, यानी जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, उसी को हम किसी भी व्रत या त्यौहार के लिए मान्य करते हैं। तो अगर इस केस में देखा जाए तो सुबह 9:02 तक अगर रह रही है त्रयोदशी, इसका मतलब है कि 3 तारीख को त्रयोदशी यानी धनतेरस माननी चाहिए, क्योंकि 2 तारीख को तो 11:30 से शुरू होगी तो उदया तिथि तो 3 तारीख को हुई। लेकिन खासकर धनतेरस की अगर बात करें तो निर्णय संधु के अनुसार, जो हमारे शास्त्र है निर्णय संधु, उसके अनुसार देखा जाए तो जो त्रयोदशी है होती है वो प्रदोष काल की त्रयोदशी मान्य होती है। प्रदोष काल उस समय को कहते हैं, सायंकाल का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो अगर कोई तिथि मतलब त्रयोदशी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर त्रयोदशी सायंकाल में हो है, यानी कि जैसे 2 तारीख को देखा जाए तो 2 तारीख में शाम के समय त्रयोदशी रहेगी, लेकिन 3 तारीख को शाम के समय नहीं रहेगी, 3 तारीख को तो सुबह सुबह रहेगी। तो शाम के समय की जो त्रयोदशी है उसी को धनतेरस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो धनतेरस का जो त्यौहार है, धनतेरस हम लोग सभी लोग 2 तारीख को ही मनाएंगे। तो हम सभी लोग जो धनतेरस का त्यौहार है वो 2 नवंबर को मनाने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।